सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ अमेजन बिजनेस ऐप का अकाउंट कैसे क्रिएट करना। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ, अगर आपके कोई शॉप है तो उस शॉप में कोई सामान लेता है तो उसी QR कोड पर आपको पेमेंट करेंगे। आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ अमेजन बिजनेस ऐप का अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया था, इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने छोटी रिक्वेस्ट, वीडियो पर लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें चले, ताकि यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहेगी। स्टोर से अमेजोन पे फॉर बिजनेस एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना। पहले से मैंने इस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया है, चलिए इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह से यहाँ पे लोडिंग लेगा, आपको यहाँ पे थोड़ा वेटिंग करना, आपको यहाँ पे थोड़ा लेट लग सकता है। इस तरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपका पहले से कोई बिजनेस अकाउंट बना तो आप यहाँ से लॉग इन विथ अनदर अकाउंट पे यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो यहाँ से कंटिन्यू, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू SMS, इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप पेमेंट ले भी, यहाँ से पेमेंट्स आप डायरेक्ट बिजनेस में कोई भेजेगा तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में यहाँ से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। आपको मेरा अकाउंट नहीं बना, मैं यहाँ पे इस पर मैंने क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे रजिस्टर ए अमेजोन पे मर्चेंट्स पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए पहले से आपका अमेजोन एप्लीकेशन में होगा, पहले से इंस्टॉल होगा, इस पर डायरेक्ट अमेजोन एप्लीकेशन पर आपको लेकर वहाँ पर रिटैक चल जाएगा। वहाँ पे लेने के बाद देखिए आप डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट ले सकते हैं, यहाँ से आप QR कोड पर। आप देखिए यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स आपको दिया जाए, बेनिफिट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपको यहाँ पे नाम ऑटोमेटिक शो कर देगा, डम को एक्सेप्ट करना, आपको रजिस्टर पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा आपको यहाँ पे लोडिंग लगा, आपको थोड़ा यहाँ से आपको वेटिंग करना, आपको परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ दे देना। अलाउ करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे बिजनेस का पूरे डिटेल्स आपको भरना है, आपकी शॉप का क्या नाम है, कौन सा आपका लोकेशन है, वो लोकेशन आपको यहाँ पे पूरा भरना है। आपको देखिए यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, आपको यहाँ पे लोकेशन डालना है, सिटी डालना है, आपको यहाँ पे स्टेट डालना है, आपको यहाँ पे कंट्री डालना है, ये सब पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है। चलिए यहाँ से पूरी डिटेल्स यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे भर दिया है, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे थोड़ा यह लोडिंग लगाया, देखिए प्लीज विथ वे प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, आपको यहाँ पे थोड़ा आपको वेटिंग करना है। यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ पे आपको लेट आएगा। लेट आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पे योर रजिस्टर इज न्यू कम्प्लीट, ये यहाँ पे ये रजिस्टर यहाँ पे पूरा कम्प्लीट हो गया। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ पे प्रोसेसिंग यहाँ पे ले रहा है। आपको नीचे में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास देखिए यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ पे ये लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने में थोड़ा आपको यहाँ पे आपको वेटिंग करना पड़ेगा। वेटिंग करने देखिए आपको यहाँ पे एक QR कोड आपको यहाँ पे दे दिया है, अमेजोन बिजनेस का आपको यहाँ पे QR कोड दे दिया गया है। देखिए मेरा फ़ोन नंबर जो इसके साइड में @APL दे दिया है। अब ये QR कोड को यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं डाउनलोड कर यहाँ पर मैं आपको दिखला देता हूँ। डाउनलोड जैसे क्लिक किया देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा वेटिंग करना है। आपका QR कोड डाउनलोड होगा, आपका QR कोड इस तरह का आपके पास यहाँ पे शो करेगा। ऊपर में अमेजोन लिखा है, यहाँ पे मेरे नाम से, यहाँ पे देखिए मैं फ़ोन नंबर में लिखा है, क्या क्या चीज़ पर पेमेंट कर सकते हैं, भीम UPI भी कर सकते हैं, गूगल पे पे, फ़ोन पे पर, व्हाट्सअप पे, पेटीएम पर, इतनी चीज़ से आप अमेजोन पर पेमेंट कर सकते हैं। इतना चीज़ का आपको सुविधा यहाँ पर दिया हुआ है। मेरा नाम आपको यहाँ पर देखिए शो कर देगा, ये QR कोड यहाँ से डाउनलोड हो चुका है। ये QR कोड प्रिंट करना चाहते हैं तो साइड में आपको 3 डॉट दिया, यहाँ पे क्लिक करना, आपको प्रिंट पे क्लिक करना, जिस फाइल पे आपको प्रिंट करना वो यहाँ पे PDF कर देना, जिस पे आपको रखना है उस पे आपको यहाँ पे जब फोर पर में रखना, जिस पे रखना है उस पे आपको क्लिक करके डाउनलोड कर देना, वहाँ पर हो जाएगा। ये मैं आपको लेकर चलता हूँ अमेजोन बिजनेस ऐप पर जाता हूँ, वहाँ पर क्या फीचर आपको दिया रहता है सो आपको वहाँ पर शो में करा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इस पर मैं रजिस्टर हो जाता हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको मैं अमेजोन बिजनेस ऐप पर आ गया। देखिए यहाँ पे मैं अभी होम पर हूँ, यहाँ ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे आपका जितना ट्रांजेक्शन हुआ रहेगा सब आपको यहाँ पे शो कर देगा। देखिए अभी मेरे यहाँ पे बिजनेस में भी जीरो बैलेंस है, एक भी बैलेंस यहाँ पर मेरे कोई नहीं पे करा है। जितना पे कोई मेरे QR कोड पे करेगा जितना बैलेंस हो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा, जितना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री सब यहाँ से आप शो कर सकते हैं। माई QR कोड पे क्लिक करें, आपका QR कोड ये रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे किसी को शेयर भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं।
रिवॉर्ड पे जाएंगे तो आपको जितना भी रिवॉर्ड आपको अमेजोन से मिलेगा बिजनेस से, सब आपको यहाँ पे शो करा दिया जाएगा। जितना भी आपको रिवॉर्ड्स यहाँ पे मिलेगा सब शो कर आपको यहाँ पे करा। यहाँ पे मोर पे जाते हैं तो मोर पे कितने जो जो डिटेल्स आपको यहाँ के बिजनेस की डिटेल्स मिल जाएगा, आपको लैंग्वेज मिल जाएगा, पेटीएम पेमेंट सेटिंग, यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकती है अबाउट लॉग आउट सब यहाँ पे। जैसे मैं बिजनेस डिटेल्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे नाम से बना हुआ मीर राजा, यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर, यहाँ जितने एड्रेस है आपको यहाँ पे शो करा दी जाएगी। मैं जी होम पेज से चला जाता हूँ, जबकि मैं यहाँ पे क्यूआर कोड को शो करना चाहती हूँ। देखिए क्यूआर कोड यहाँ से आप शो भी कर सकते हैं, यहाँ से शेयर पे क्लिक करें, इसको व्हाट्सएप पे जिस पे शेयर करना चाहती है उस पर आपको यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आपकी जितनी पेमेंट रहेगी यहाँ पे आपको जितनी यहाँ पे शो कर जाएगी, जितना पेमेंट देखना है 2 डे का यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, उतनी का पेमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, कौन सा डेट का पेमेंट मेरे पास है, सब पेमेंट यहाँ से आप देख सकते हैं। वीओ पोस्ट हिस्ट्री पे जाकर यहाँ से आप 1.5 तारीख तक हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हैं, कौन 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 1.5 तारीख हमको यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया गया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड का शेयर कीजिए, मैं कोई कन्फ्यूजन कमेंट करके आप नीचे पूछ सकते हैं।